साथियों, आज दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय दीदी उन पर अत्याचार कर रही है। आज हर बंगालवासी कह रहा है, दीदी के तो बोलछी किंतु ओनी सुनेछन ना। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी को गुस्सा, राशन के चावल की चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल देती है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाती है, चाकरी पर जवाब मांगो तो घर जला दिया जाता है। साथियों, आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है कि उसको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिलता। आज बंगाल का किसान पूछ रहा है, उसको किसान सम्मान निधि के हजारों रुपए क्यों नहीं मिले। शहरों में रेहड़ी ठेला चलाने वाले गरीब पूछ रहा है कि उनको पीएम स्वनिधि के तहत आर्थिक मदद सही से क्यों नहीं मिली। आज बंगाल की बहनें पूछ रही हैं कि हर गल जल पहुंचाने के लिए टीएमसी सरकार को जो पैसा दिया था, दिल्ली से पैसा भेजा था, वो पैसा तिजोरी में रख करके क्यों बैठ गई। आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है, क्यों ममता सरकार ने लाखों गरीबों को पक्के घर से वंचित रखा। केंद्र सरकार की तरफ से बीते वर्षों में बंगाल के लिए 33 लाख पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से लाखों घर अब भी पूरे नहीं हो पाए। दीदी को लगता है कि इन सब योजनाओं का फायदा अगर लोगों को होगा तो लोग मोदी को आशीर्वाद देंगे। अरे दीदी, आपको मोदी को क्रेडिट नहीं देना था तो मत दीजिए, लेकिन अपने गरीब के पेट पर लात क्यों मारी। आपने रेहड़ी पटरी वालों के पेट पर लात क्यों मारी।